तो हाँ प्यारे बच्चों, आज हम आप सभी को पढ़ाएंगे कक्षा 11 का मैथ प्रश्नावली 3.1। क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है, डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात करना है। इसका अर्थ यह है डिग्री को रेडियन में बदलना है। तो प्यारे बच्चों, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखिए ध्यान से आप लोग। 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटा 180, पाई बटा 180 रेडियन। तो प्यारे बच्चों, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुणा करते हैं, और प्यारे बच्चों रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटा पाई से गुणा करते हैं। प्यारे बच्चों, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटे पाई से गुणा करते हैं, और डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुणा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करके। पहला क्वेश्चन हल कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या है 25 डिग्री, 25 डिग्री को प्यारे बच्चों हमें रेडियन में बदलना है। तो प्यारे बच्चों, ये डिग्री माप है, इसको रेडियन में बदलना है। तो इसको रेडियन में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें पाई बटा 180 से जब हम गुणा कर देंगे तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा रेडियन में। किसमें आ जाएगा प्यारे बच्चों, रेडियन में। अब इसको हम जो है 5 से बच्चों कैंसिल कर देते हैं, तो पचाम पच्चीस बटा 5 से इसको काटेंगे, 5 15 3 बच रहा है, 3 आगे जाके 18 कितना होगा प्यारे बच्चों, 18 में से जब 5 15 को घटाएंगे 3 बचेगा, 3 आगे जाके प्यारे बच्चों क्या होगा 30, तो 5 6 30। तो प्यारे बच्चों हमारा क्या आ गया, 5/36 पाई रेडियन, 5 पाई/36 रेडियन। तो प्यारे बच्चों, पहले क्वेश्चन जो है हमारा हल हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन क्या है उसे देखिए। देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करके बता रहे हैं। दूसरा हमारा है -47 डिग्री 36 मिनट। प्यारे बच्चों, जो 30 के ऊपर पाई लगा है इसका अर्थ होता है मिनट। ये किसको बता रहा है, मिनट, 47 डिग्री 30 मिनट। तो प्यारे बच्चों, पहले हम इस मिनट को हम डिग्री में बदलेंगे। तो एक प्यारे बच्चों, ए 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं प्यारे बच्चों, 60 मिनट होते हैं। तो बताइए आप लोग, जब हम 1 मिनट बराबर पूछेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री, 1/60 डिग्री, 1 डिग्री के 60वें भाग को 1 मिनट कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे, जो है 30 मिनट का मान हम निकाल लेते हैं डिग्री में क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं, 30 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 30 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 30 × 1/60 डिग्री। तो बच्चों 30 × 60 तो 1/2 डिग्री। तो प्यारे बच्चों कितना आएगा, 30 मिनट में कितने डिग्री होते हैं, 1/2 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, इसको हम जब डिग्री में बदलेंगे तो ये हमारा आ जाएगा -47 डिग्री, और ये आ जाएगा 1/2 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, इसे अब हमें किस में बदलना है, हमें इसे बदलना है रेडियन में। तो
प्यारे बच्चों रेडियन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे आप लोग, ध्यान दीजिए। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए आप लोग, इधर देखिए, हमने बताया कि 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 1 मिनट बराबर 1 डिग्री बटा 60। अब हमें 30 मिनट का क्या चाहिए था वैल्यू डिग्री में, तो हम क्या करेंगे 30 से दोनों तरफ गुणा कर किया, 30 एकम 30, 30 × 1/60 डिग्री, 30 × 2 = 60, 1 डिग्री बटा 2। तो प्यारे बच्चों 30 डिग्री का मैं 30 मिनट में कितने डिग्री होंगे उसका वैल्यू मैंने ज्ञात कर लिया। तो प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं इसका इसमें क्या करते हैं गुणा, तो 47 में 2 का गुणा करेंगे प्यारे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 47 में 2 का गुणा करेंगे तो 94 आएगा, 47 × 94, 94 + 1 = तो −95 °/2, −95 °/2। तो प्यारे बच्चों −95 °/2 को हमें रेडियन में बदलना है, तो −95 °/2 में जब हम π/180 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा आ गया प्यारे बच्चों रेडियन में आ गया, किस में आ गया प्यारे बच्चों रेडियन में। अब हम क्या करेंगे कैंसिल करेंगे, 5 से इसको कैंसिल करते हैं तो −5 × 5, 4 बचा 4, आगे जाके कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 45, तो 5 × 9 = 45, 19 π/2 गुड़े, ये 5 से काटा था मैंने तो क्या आएगा 5 × 3 = 15, 3 × 18 = 3, आगे जाके कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 30, 5 × 6 = 30। तो प्यारे बच्चों आ जाएगा हमारा −19 π/36 × 72, 36 × 72। तो प्यारे बच्चों क्या आया आंसर हमारा रेडियन में, −19 π/72 रेडियन। तो प्यारे बच्चों ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब हम आप लोगों को तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करके बता दे रहे हैं, पांचवा जो है चौथा क्वेश्चन जो है आप लोग जो है होमवर्क के रूप में ले लीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों तीसरा हम आपको बताएंगे अब तीसरा कैसे सॉल्व होगा देखिए तीसरा कैसे सॉल्व करेंगे, 240 डिग्री है। तो प्यारे बच्चों हमने बताया डिग्री को रेडियन में बदलना है, डिग्री को रेडियन में बदलना है तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे π/180 से गुणा करेंगे, तो 240 गुणा क्या कर देंगे प्यारे बच्चों π/180। यहाँ बताया क्या है डिग्री को रेडियन में बदलना है तो π/180 से क्या करना है प्यारे बच्चों गुणा करना है, तो ये डिग्री में था हमें रेडियन में बदलना है, इसके संगत रेडियन में लाना है, तो इसलिए हमने 240 में π/180 से जब गुणा कर दिया तो प्यारे बच्चों किस में हो जाएगा रेडियन में हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब हम ये जो है 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 24π/18। तो प्यारे बच्चों अब 6 से काट देते हैं, 6 से इसको काट देते हैं, 6 × 4 = 24, 6 × 3 = 18, तो प्यारे बच्चों क्या आ गया 4π/3 रेडियन। तो प्यारे बच्चों आप लोग जो है चौथा क्वेश्चन होमवर्क के रूप में ले लीजिए और सॉल्व कर दीजिएगा। प्यारे बच्चों यदि वीडियो हमारा पसंद आए तो आप लोग लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, जय हिंद जय भारत।